एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आज मैं फिर एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 से प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिए, क्योंकि उसमें वही कॉन्सेप्ट है, ग्राफीय विधि से हल करना है और समीकरण का युग्म बताना था, संगत है या असंगत, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो 50% आपका जो प्रश्न सॉल्व हो गया। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे तो बहुत मुश्किल है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, एक आयताकार बाग है, ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, इसमें 2 वेरिएबल है, 2 चर है, तो लिखेंगे। और याद रखिए, बीमाएं का अर्थ होता है कि बाघ की बीमाएं ज्ञात कीजिए, तो बीमाएं का अर्थ होता है कि आयत की जो लंबाई और चौड़ाई वही, तो यहां पर घबराने में कि सर बीमाएं क्या है, वही आयत की लंबाई चौड़ाई निकालना, तो लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर एवं चौड़ाई बराबर y मीटर, लंबाई x एवं चौड़ाई y। तो अब यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है यानी x, ध्यान से देखिएगा, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई क्या हम लोग लेट किया है y, तो चौड़ाई से 4 अधिक है, इसीलिए चौड़ाई में 4 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, अगर कम कहता तो माइनस कर देंगे। याद रखिएगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि x में ही 4 को प्लस कर देते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई जो है वह चौड़ाई से 4 अधिक, इसलिए y में प्लस करेंगे, ठीक है ना, 4। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 4, समीकरण 1, ये प्लस y को अंदर में ले गए। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न कहता है कि अर्ध परिमाप जो है वह 36 है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या है, 36। तो आप लोग जानते हैं आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, याद रखिएगा। और अर्ध परिमाप कहेगा तो उसको क्या करेंगे, किसी भी फॉर्मूला का अगर अर्ध निकालना हो तो उसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो उसका अर्ध परिमाप हो जाता है। तो इसमें अर्ध परिमाप करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल यहां से क्या आ रहा, लंबाई प्लस चौड़ाई आ रहा है। चलिए इसी तरह लिखेंगे, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आप देखिए तो ये परिमाप है लेकिन अर्ध परिमाप है, तो 2 से भाग कर देंगे, वह कितना दिया हुआ है, 36। प्रश्न से अब ये देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया, 36, समीकरण 2, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप देख रहे हैं इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है या विलोपन विधि से करना है या फिर कौन सा मेथड लगाना, नहीं कर रहा है। हालांकि चैप्टर ये ग्राफीय है तो निश्चित तौर पर इसको ग्राफ से सोल्व करना है, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को हम ऊपर वाले क्वेश्चन में सोल्व कर दिए हैं और फिर प्रिपरेशन क्लास कराएंगे तो उसमें कराएंगे। इसको मैं फिलहाल ऐसे ही विलोपन विधि, जिसको लुप्तीकरण बोलते हैं, इलिमिनेशन मेथड, उसके द्वारा सोल्व करता हूं।
तो लिखेंगे समीकरण एक और दूसरे, समीकरण एक और दूसरे, समीकरण एक कितना है x माइनस वाई बराबर चार और समीकरण दो है x प्लस वाई बराबर 36। तो आप देख रहे हैं कि y जो है इसमें x और y कोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो कांस्टेंट है कोफिशियंट है वो इक्वल है, यानी कि x और y दोनों चर जो यहाँ पर बैलेंस है। लेकिन अगर x को उड़ाएंगे तो घटाने पर लिखना पड़ेगा और y को उड़ा रहे हैं तो जोड़ने पर लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये से कैंसिल हो गया और x x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ 36 और 4 कितना हो गया 40। इसीलिए अब क्या करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा 20, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ गया 20, ठीक है ना। x बराबर क्या निकल गया 20। अब x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए और सेकेंड में y का भी वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे x का वैल्यू समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में, समीकरण में कितना है x माइनस वाई बराबर चार, तो x के जगह पर क्या डालेंगे 20 और माइनस वाई बराबर चार, इसीलिए माइनस वाई बराबर चार इधर प्लस 20 है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 20, इसीलिए माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 16 हो गया। तो x और y दोनों निकल गया। देखिए तो लिखेंगे अतः x क्या माने थे आयताकार भाग की लंबाई, अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर 20 मीटर एवं चौराई बराबर 16 मीटर। अब देखिए इस आंसर को थोड़ा सा मन में ही वेरीफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन को ये जो आंसर है क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन था कि लंबाई चौराई से चार अधिक है, तो लंबाई मेरा है 20 और चौराई है 16, तो 16 से चार अधिक 20 है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया को सही फॉलो कर रहा है। और यहां पर इसका परिमाप निकालेंगे तो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 36, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो ये दोनों सही है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज भी अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही वह चैनल है जिसके माध्यम से आपको सारे मैथ्स के नोट्स जो है या फिर मैथ्स का ऑल चैप्टर जो है क्लास 9th का या 10th का हो इसी चैनल से पूरा होने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों।